हेलो स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक देखने वाले हैं मैग्नेटिक सर्किट का। स्टार्टिंग टॉपिक है ट्रांसफार्मर, हमारा लगभग कंप्लीट हो गया। ठीक है, मैग्नेटिक सर्किट का ये स्टार्टिंग टॉपिक है। बेसिक डेफिनेशन इन मैग्नेटिक सर्किट्स, हम बेसिक डेफिनेशंस के बारे में समझ लें। तो इन टर्म्स में से जो सबसे पहला टर्म होता है वो होता है फ्लक्स, कि मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे फ्लक्स। तो फ्लक्स इज नथिंग बट एक चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं जो किसी भी चुंबक में फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल आउटसाइड ऑफ द मैग्नेट ट्रेवल करती हैं। ठीक है, कोई भी चुंबक होगा, या आपने ट्वेल्थ में भी पढ़ा होगा, कोई भी चुंबक होगा, जैसे ही उसको रखोगे, कितनी हिस्सों में काटो उसको, 50 हिस्सों में भी तोड़ दो, तब भी उसमें दो पोल जरूर बनेंगे। ठीक है, इस तरीके से इसको दो हिस्सों में करूँगा फिर से NS बन जाएगा अकॉर्डिंग टू नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि चुंबक जो है उसके दो पोल होते हैं हमेशा। ठीक है, नॉर्थ और साउथ मीन्स उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो जब हम बात करें चुंबक की, तो ऐसे चुंबक को जब हम रख देते हैं तो चुंबक में चुंबकीय बल रेखाएं उत्पन्न होती हैं जो हमेशा नॉर्थ पोल से शुरू होंगी और कहाँ ख़त्म होंगी, साउथ पोल पे जाके ख़त्म। एक्चुअल में ये ख़त्म नहीं होती, इंटरनल जो मैग्नेट के अंदर ये साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती हैं और आउटर सेल में नॉर्थ से साउथ की तरफ, मतलब ये क्लोज पाथ कंप्लीट करती हैं अपना। ठीक है, जिस पोल से शुरू होती है चुंबकीय बल रेखाएं उसी पोल पे ख़त्म होती हैं, ये इनका एक इम्पॉर्टेंट प्रॉस्पेक्ट होता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो बल रेखाएं निकलती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ ट्रेवल करती हैं किसी भी चुंबक में, वो क्या कहलाती हैं, फ्लक्स। तो हम इसकी डेफिनेशन आसान शब्दों में क्या बोल सकते, द फ्लक्स इज नथिंग बट द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस, ठीक है, विच मूव्स फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल आउटसाइड द मैग्नेट एंड फ्रॉम एस पोल टू एन पोल इनसाइड द मैग्नेट। दीज मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस आर कॉल्ड चुंबकीय बल रेखाएं, इन्हीं को क्या बोलते हैं, फ्लक्स। ठीक है, ये अब सेकेंड पॉइंट, ये तो इसका डेफिनेशन हो गया। फ्लक्स इज डिनोटेड बाय, इसी को मैग्नेटिक फ्लक्स भी बोलते हैं, बाय फाई एंड its unit is वेबर। ठीक है, WB से डिनोट करते हैं। फ्लक्स की यूनिट क्या होती है, वेबर, और इसको डिनोट किससे किया जाता है, फाई से। ठीक है, तो ये है आपका फ्लक्स। ठीक है, अभी नेक्स्ट मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टर्म है। सो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है, इट इज डिफाइंड एज द मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया। ठीक है,
इकाई क्षेत्रफल में कितना फ्लक्स है वो उसका क्या कहलाएगी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल बी एंड इट्स यूनिट इज वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और टेस्ला। ठीक है, एंड गिवेन एज बी इक्वल टू फ्लक्स पर यूनिट एरिया मतलब फाई अपॉन ए। ए क्या है, एरिया वेबर पर मीटर स्क्वायर और टेस्ला। ठीक है, तो ये है आपकी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और फ्लक्स के डेफिनेशन। ठीक है।